आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें किस किस सामान की जरूरत पड़ती है वो हम दिखाते हैं आपको। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज्वाइन करना और बेल बटन दबाना। एक कटोरी आटा, एक चौथाई चम्मच नमक और 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और गूंदने के लिए पानी। सबसे पहले हम आटा तैयार करते हैं। एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर हम आटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। नमक मोमन के लिए 2 चम्मच ऑयल डालते हैं जिससे हमारे पराठे खस्ता बने। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको तैयार करते हैं। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसको तैयार करना है। आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा लगभग तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं और इसको चिकना कर लेते हैं। हमारा आटा लगभग तैयार है। मंदी गैस पर तवा रख दिया है और हम आटा ले लेते हैं। हमने इतना आटा लिया है और इसको हम ऐसे करके गोल कर लेते हैं। हमने लोई बना ली है, अब इसको हम आटे में लपेट कर ऐसे आटे में लपेटना है और इसको हम बेलते हैं। पाँच छः इंच के व्यास में हमें इसको बेलना है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से ऑयल लगाते हैं जिससे हमारा लच्छा अच्छा निकले। हमने ऑयल लगा दिया है, अब इसके ऊपर हम हल्का सा आटा डालेंगे। मैंने आटा डाल दिया है। मैं आपको कटिंग वाला लच्छा पराठा बनाना बताती हूँ। इस तरह से हमें चक्कू से काटना है। आप छोटी छोटी जगह पर काट लें, आधा इंच ऊपर नीचे से जगह छोड़नी है। बिल्कुल बारीक बारीक काटने हैं जिससे कि हमारे लच्छे के लेयर अच्छे आए। अब इसको हम फोल्ड करते हैं। हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मोड़ लें और इसको नीचे कर लें और इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया है। अब इसको हम आटे में लपेटते हैं और आराम आराम से इसको बेलते हैं। हल्के हाथ से बेलना है ये। इसको आप दही के साथ, रायते के साथ, सब्जी के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। हमारा पराठा बिल चुका है। अब हम इसको तवे पर डाल देते हैं। इसी तरह से और दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। किनारों पे चारों तरफ हम थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। अब इसको हम आराम से पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी हमें सीटी लगने तक तैयार करना है। अब इसके ऊपर हम ऑयल लगा देते हैं। अब हम इसको पलट देते हैं। दूसरी तरफ से भी हमारा पराठा थोड़ा सिक चुका है और इधर भी हम ऑयल लगा देते हैं। हमारा पराठा सिक चुका है, इसको हम उतार लेते हैं। इसी तरह से हमें और भी पराठे बनाने हैं। हमारे कुरकुरे लच्छे पराठे तैयार हैं। देखिए किस तरह से लच्छे निकल रहे हैं। आपको इसकी ऐसे लेयर निकालनी है। देखिए हमारी इस तरह से लेयर निकल चुकी है। खाना भी, खिलाना भी, मुझे कमेंट में बताना भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ। धन्यवाद।